ने अजमेर में आईएएस आईपीएस द्वारा शराब पीकर मारपीट करने का मामला, कल डीओपी ने आईएएस गिरधर और आईपीएस सुशील कुमार को निलंबित किया। मामले में अब आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने खेद जताया और कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, आमजन के साथ आचरण में शिष्टाचार का ध्यान रखने की जरूरत बताई। अधिकारियों से शिष्टाचार, सम्मान, धैर्य, सद्भाव बरतने की अपील की गई, जिससे आम जनता में विश्वास, जिम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता दिख सके और हम अपने पेशे के उच्च मूल्यों को बना कर रख सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, ये खेद जरूरी भी था क्योंकि इससे एसोसिएशन की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विश्वास, ये सब जुड़ता है। देखिए, जिस तरह से एक सिविल सर्वेंट की नौकरी होती है और जिस तरह से उसकी पब्लिक डीलिंग होती है, उसमें इन सब चीजों का समावेश करना बहुत जरूरी है और इसको माना गया आईएएस एसोसिएशन द्वारा और उन्होंने इसकी निंदा की है जो घटनाक्रम हुआ है। और उसमें ये बात सामने आ रही है कि आईएएस गिरधर तो उनके साथ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी निंदा की है कि ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, उसमें धैर्य और विनम्रता, इन तमाम चीजों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि पब्लिक डीलिंग में आसानी हो, क्योंकि एक छवि होती है, पब्लिक फिगर होता है एक सिविल सर्वेंट, और उस पब्लिक फिगर को इस तरह का आचरण अगर करते हुए कोई देखे तो निस्संदेह ये अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो संभव है, जो कि हुई भी, और इसलिए यह बेहद जरूरी माना गया और आईएएस एसोसिएशन ने यह एक पत्र जारी किया जिसमें इस पूरे कृत्य की निंदा की है। डॉक्टर, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।